ओके तो आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो ना, तो जब भी आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट होता है। हु इज गिवर बच्चों? सर बैंक इज गिवर, सो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1500, 1500। तो देख लीजिए यहाँ पर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1500, 1500। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि नंबर टू, ओके चलो पढ़ो नंबर टू। हाँ नंबर टू पढ़ो। सर मैं ही पढ़ू? नहीं ठीक है, तो किसी और को बोलते, कौन पढ़ेगा? श्रेय पटेल तुम पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ सर। नहीं श्रेय पटेल को पढ़ने, हर एक को टर्न देंगे। चलो श्रेय पटेल, बाद में तुझे ही देंगे टर्न। इंश्योरेंस चार्जेस पेड ₹400 ऑन परचेस ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस 400 पेड ऑन परचेस ऑफ मशीनरी। कोई भी असेट्स अगर आप परचेस करते हो तो वो असेट ही डेबिट होता है। डेबिट होता है क्या? वो असेट ही डेबिट होता है, सही ये करना था, बट गलती से डेबिट क्या हो गया, डेबिट हो गया सन्ड्री एक्सपेंस। बच्चों ये तो गलत है, गलत है, गलत है। ये है कैंसल, 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 गलत, गलत, गलत। मैंने आपको कुछ रूल्स भी सिखाया था, सही है तो सही करो, गलत है तो उल्टा करो। ये सन्ड्री एक्सपेंस ये गलत है सर। अब गलत है तो उल्टा करेंगे, डेबिट का उल्टा होगा क्रेडिट, मतलब सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे और ये मशीन जो सही है डेबिट करेंगे। सही है उसका सही करो, सही में मशीन डेबिट होता है। गलती से सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट कर दिया तो जो गलत है उसका उल्टा करो, सन्ड्री एक्सपेंस जो गलती से डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट कर दो, और सही क्या करना था, मशीन डेबिट करना था तो उसे डेबिट कर दो, गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। देखो नीचे हो गई, या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से बच्चों। नंबर थ्री में हम बात करते हैं, चलो मोक्स पढ़ ले बेटा। नंबर थ्री कौन सा नंबर सर? ₹500 पेड टू काजल इज डेबिटेड टू राजल्स अकाउंट बाय मिस्टेक। ओके, ₹500 पेड टू काजल। मोक्स 500 के एक नोट लेके काजल के पास गया और काजल को उसने, मोक्स ने पैसे दिए कि लो काजल ₹500। काजल सी इज अ पर्सन, सी इज अ रिसीवर, दैट्स व्हाई काजल अकाउंट डेबिट करना है हमें। सही क्या करना है सर, काजल सी इज अ पर्सन, सी इज अ रिसीवर, दैट्स व्हाई अकाउंट डेबिट डेबिट करना है। बट बीच में राजल आ गई, करना था काजल को डेबिट पर बीच में राजल आ गई, हमारा मोक्स थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो राजल आ गई तो उसने तो राजल को डेबिट कर दिया। भाई मोक्ष तूने किसको, राजल को डेबिट कर दिया। सर ये तो गलत कर दिया, राजल को डेबिट नहीं करना था पर हो गया तो क्या करे, तो गलती से राजल डेबिट हो गई है। जो गलती किया तो क्या करना है, उसका उल्टा करना है। सही है वो सही करो, गलत है उसका उल्टा करो। गलती क्या हो गई, गलती से राजल को डेबिट कर दिया तो राजल की गलती रेक्टिफाई करने के लिए आपको राजल को अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट, और काजल जो सही में डेबिट करनी थी उसे हम डेबिट कर देंगे तो गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। जनरली क्या हो गया, काजल अकाउंट डेबिट टू राजल अकाउंट क्रेडिट 500, 500। काजल अकाउंट डेबिट टू राजल अकाउंट क्रेडिट 500, 500। ये बच्चों
नाउ हम बात करते हैं नंबर फोर। चलो कौन आया है? आयुष आया है, पटेल आयुष। चलो तुम पढ़ो बेटा, पटेल आयुष आज आया है। और बिल रिसीवेबल ऑफ हाँ जी रुपीज 1550 एक्सेप्टेड। रुक, अभी कहाँ चला गया? रुक बता दीजिए। हाँ पढ़ो तो। और बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज 1550 एक्सेप्टेबल बाय कोमल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स बाय रुपीज 500। हाँ, अब बिल एक्सेप्ट किया है कोमल ने। हम कौन है? हम तो राकेश है भैया, हम तो राकेश है बच्चों। हम कौन है? हम तो राकेश है सर। अब जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए होता है बिल्स पेबल। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए होता है बिल्स पेबल। बिल कोमल ने एक्सेप्ट किया तो कोमल के लिए हो गया बिल्स पेबल। कोमल के लिए बिल्स पेबल हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल। कोमल क्या करेगी? कोमल सिक्का लगाएगी, साइन करेगी, एक्सेप्ट करेगी और हमें रिटर्न करेगी। बिल्स रिसीवेबल कम्स इन आवर बिजनेस, कम्स इन आवर बिजनेस, कम्स इन आवर बिजनेस। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। एंड कोमल सी इज अ पर्सन, सी इज अ गिवर, दैट्स व्हाई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट क्रेडिट। और सही अमाउंट क्या थी? सही था 1550। और नीचे भी 1550, ये सही एंट्री, हमें ये लिखना था। गलती क्या हो गई सर? सब कुछ सही था, जनरेटिव भी सही थी, लेकिन गलती ये हो गई बच्चों कि अमाउंट जो है वो 500 रिकॉर्ड हुआ। मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन अमाउंट लिखा गया है गलती से 500। अमाउंट लिखा गया है ये गलती से 500, सॉरी तो गलती हो गई, बिग मिस्टेक हो गया। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो जिसने मेरा यस्टरडे का लेक्चर अटेंड किया होगा उसको पता होगा कि इसमें ही मैंने कुछ समझाया था। अगर लेस अमाउंट है तो डू एज इट इज, एंड मोर अमाउंट है तो उल्टा करो। लेस अमाउंट है तो डू एज इट इज, मोर अमाउंट है तो उसे आप उल्टा करो। इसमें सर लेस अमाउंट है, करना था 1550 लेकिन गलती से कर दिया है 500, लेस अमाउंट रिकॉर्ड किया है। डू एज इट इज, डू एज इट मतलब जनरेटरी तो आप यही रखोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट क्रेडिट वही जनरेटरी लिखोगे, लेकिन जो 1550 माइनस 500, 1550 माइनस 500 करोगे और जो अमाउंट आ रहा है 1050 उससे आप वहां रिकॉर्ड करोगे। हमारा आंसर क्या है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट क्रेडिट 1050 ये अमाउंट लिखेंगे। वापस बच्चों में समझा रहा हूँ, सही जर्नल एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1550 टू कोमल अकाउंट क्रेडिट 1550। गलती से मिस्टेक क्या हो गया? गलती से मिस्टेक ये हो गया कि 1550 की जगह पे दोनों जगह पे 500 से रिकॉर्ड हो गया, मतलब कम रुपए से। सही से
सही जो अमाउंट है उससे कम रुपीस रिकॉर्ड हुआ है जनरल एंट्री, तो कम होता है तो जनरल एंट्री वही रखनी है और डिफरेंस वाला अमाउंट लिखना है। कैसे नीचे लिखा हो बता दू आपको, देख लो बच्चों आप, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट 1050 1050। कैसे आया तो मैंने आपको बताया ना कि भाई इसमें से ये 500 माइनस कर देना था, 155 में 500 माइनस करो, देख लो कैलकुलेटर में यही आंसर आता है, आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से बच्चों करना था। चलो इसको नंबर फाइव, चलो नंबर फाइव कौन पढ़ेगा मैं देखता हूँ। अब जिससे बिल्कुल नहीं पढ़ा हो वैसे चलो शाह मुक्शिल तुम पढ़ लो। Goods of rupees 700 sold to Sweet Tooth is recorded in purchase book by mistake. Okay. Actually क्या हुआ है कि हमने गुड्स सोल्ड किया है 700 का स्वीट को, तो गुड्स सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड क्रेडिटेड क्रेडिट यही करना था, बट गलती से सर मिस्टेक हो गया, हमने तो परचेस बुक में लिख दिया, परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया। जब तो ऐसे हालात में हमें क्या करना है, जनरल एंट्री हमें रेक्टिफाई करनी है और किस तरह से करनी है वही मुझे अब आपको अभी समझाना है। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ जनरल एंट्री लिख के। हाँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा सही एंट्री क्या होगी। तो सही एंट्री होगी बच्चों हमारी, हमने 700 का गुड्स स्वीटू को सोल्ड किया है, स्वीटू सी इज अ पर्सन सी इज अ रिसीवर दैट्स व्हाई हर अकाउंट डेबिटेड एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड 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 बिकॉज़ गुड्स गोस आउट दैट्स व्हाई। सो सिंपल सा हम जनरेटरी लिख रहे हैं। जेडन क्या कर रहा है बेटा, जेडन तो जैसे कि हम कर रहे हैं। हां सर, व्हाट आर यू डूइंग? Sweetu account debit to sales account credit और कितना, तो 700 rupees 700। ओके, ये सही एंट्री था, बट गलती से एंट्री क्या हो गया है, तो सर गलती से एंट्री हुआ है हमारा परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या नाम था C2 account credit for 700. इस तरह से रिकॉर्ड हो गया बच्चों। ठीक है, ओके सर, आपने सही एंट्री गलत एंट्री दोनों लिख दिया। अब हमें करना क्या है, किस तरह से करना है? ओके बच्चों, ये सही एंट्री है स्वीटू टू सेल्स एंड ए परचेस टू स्वीटू, ये टोटली गलत एंट्री है। ठीक है, मैंने आपको रूल्स क्या सिखाया है, डू व्हाट इज करेक्ट अंडू व्हाट इज रॉन्ग। सही है उसे सही करो, गलत है उसका उल्टा करो। सही है उसको सही करो, गलत है उसको अंडा मारो। अंडा मारो मतलब अंडू कर दो। पहले जो सही हो सही करते हैं यहां पर, पहले सही करते हैं। सही क्या है,
Ritu. Round. Debit. 700. To sales account credit 700. सही एंट्री जो सही था मैंने सही किया. अब जो चौकड़ी मारा है कैंसिल किया है, जो गलत एंट्री है उसका उल्टा करना है. परचेज अकाउंट गलती से डेबिट है तो उसका उल्टा करो तो क्रेडिट. परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे सर, वो गलती से जो चौकड़ी मारा है उसमें सी टू अकाउंट 700 क्रेडिट भी दिखाया है तो उसका भी उल्टा करेंगे. यस, उसका भी उल्टा करेंगे, सी टू डेबिट कर देंगे. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हुआ होगा, सर सी टू अकाउंट डेबिट 700 दो बार लिखिए, इससे बेटर है क्या अगर हम सी टू अकाउंट डेबिट 1400 लिख दे तो चलेगा? यस डेफिनेटली दौड़ेगा. सी टू अकाउंट डेबिट 700, सी टू अकाउंट डेबिट 700 दो बार लिखना, बेटर है कि एक ही बार में 1400 लिख दो? इस तरह से ये हो गया हमारा फाइनल रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री. सी टू अकाउंट डेबिट 1400, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 700, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 700, और यही आंसर नीचे लिखा गया होगा. देख लो आप, स्वीटू अकाउंट डेबिट 1400, टू सेल्स अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 700. जो मैंने आपको यहाँ ये सिखाया सेम वही आंसर देखो उन्होंने लिखा है. ठीक है बच्चों, चलो वापस हम ऊपर जाते हैं और अब कुछ इस तरीके से अब बात करते हैं हम कि नंबर 6. चलो नंबर 6 कौन रीड करेगा? किसको कहते हैं? जेडन जोसेफ, तुम पढ़ लो. बस जेडन जोसेफ तुम पढ़ो नंबर 6. गुड्स और रुपीस 1250 परचेस फ्रॉम रेखा इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय रुपीस 250. ऊपर जैसा है वैसी गलती यहाँ पर भी हो गई. 1250 का परचेस किया, आपको परचेस रिकॉर्ड करना था, बट गलती से रिकॉर्ड हो गया है सेल्स बुक में, और इसमें तो अमाउंट भी गलत 250. अरे तो बिग ब्लंडर मिस्टेक हो गया उसमें. लास्ट में तो अमाउंट की तो गलती नहीं थी, यहाँ तो अमाउंट की भी गलती कर दी. सबसे पहले हमें करना होता है कि आपने रेखा से 1250 का गुड्स परचेस किया है. रेखा से आपने 1250 का गुड्स परचेस किया है तो पहले तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैं चलो पहले इसकी जनरल एंट्री लिख रहा हूं. यहाँ पर जब भी आप गुड्स परचेस करोगे तो एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट
to Rekha account credit. 1250 1250 इस तरह से बच्चों ये सही एंट्री लिखा है मैंने। अब गलती से कलर एंट्री क्या लिखा गया है, ये जो है मैंने मैं लिखूं क्योंकि आपको दिख जाएगा। ओके ये मैंने सही एंट्री लिखा है, गलत एंट्री क्या लिखना है, मैं यहाँ दिख के लिखा था गलत एंट्री क्या हो गया, सही में लिखना था परचेस टू रेखा, बट गलती से हमने लिख लिया सेल्स बुक में, सेल्स बुक में यानी हमने लिख दिया रेखा टू सेल्स, वो भी अमाउंट भी गलत 250। रेखा टू सेल्स और वो भी 250। अब सर ये दोनों जर्नल एंट्री पे अगर हम नजर डालें ये टोटली सही एंट्री है और ये टोटली गलत एंट्री है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि जो सही है उसको सही एंट्री लिखेंगे और जो गलत एंट्री है उसको उल्टा करेंगे, समझने जैसी चीज है बच्चों। वन एंड ओनली एक ही एग्जांपल आपको पूछते हैं इसमें से, पहला लास्ट जो गिनो इसमें सब पूछते हैं। सबसे पहले सही एंट्री लिखते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट 1250 रेखा अकाउंट क्रेडिट 1250, ठीक है ये सही एंट्री लिख दी मैंने जो सही था। अब गलत है उसका उल्टा करो, जो चौकड़ी मारा है कैंसिल किया है सर, गलत में रेखा को डेबिट किया 250, तो इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा 2 रेखा अकाउंट क्रेडिट कर दो 250 और कैंसल किया है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 250, तो सेल्स अब डेबिट कर दोगे, हो गया जनरल एंट्री रेक्टिफिकेशन। बट यहां पर भी एक अड़चन है सर, रेखा अकाउंट क्रेडिट दो बार कर रहे हो आप 1250 एंड 250, बेटर है कि 1250 प्लस 250 दोनों का टोटल मिला के अगर हम 1500 क्रेडिट कर दे तो चलेगा, दौड़ेगा बच्चों, चलो मैं वही करने जा रहा हूं यहाँ पर। दोनों मिला के 1500 में क्रेडिट कर रहा हूँ, तो आप नीचे आंसर में हम देखेंगे तो वही लिखा होगा, क्या लिखा होगा, परचेस अकाउंट डेबिट 1250, सेल्स अकाउंट डेबिट 250 टू रेखा अकाउंट क्रेडिट 1500, देखते हैं चलो यही एंट्री है कि नहीं। हाँ देख लो बच्चों, देखो परचेज अकाउंट डेबिट 1250, सेल्स अकाउंट डेबिट 250 एंड टू रेखा अकाउंट क्रेडिट 1500, मतलब मैंने यहां पर जो आपको एंट्री बताई है वही एंट्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 7। ओके चलो मीरा तुम पढ़ लो बेटा नंबर 7। रुपीज 200 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक।
बैंक ने 200 क्रेडिट किया है। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर हमने आपको अच्छे से समझा दिया है अगर आपको याद हो तो, कि बैंक ने, बैंक जिसे क्रेडिट करता है उसे कैश बुक क्या करता है मीरा? मीरा तो बोली नहीं रही भाई। बैंक जिसे क्रेडिट करता है उसे कैश बुक क्या करती है? डेबिट। बिल्कुल सही, डेबिट करता है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, उसे डेबिट करता है। तो अब बच्चों इसका एक्चुअली पहले तो जनरल एंट्री क्या होगा ये पता होना चाहिए। बैंक, जब बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करता है तो उसका जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, जनरल एंट्री जो होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 200 इसे होना चाहिए। लेकिन इसकी एंट्री हुई कहां सर? ये तो अब देखो पहले 200 रुपीस, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये 200 रुपीस जो है ये 200 क्रेडिट, अरे भाई बैंक ने क्रेडिट किया तो कैशबुक में डेबिट होता है। कैशबुक में डेबिट को रिसीप्ट साइड बोलते हैं, बट कैशबुक में रिसीप्ट नहीं सर, कैशबुक में तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दिया इसने, तो उसने गलती कर दी, उसने टोटली उल्टा कर दिया। रिकॉर्ड करना था डेबिट में बट रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट में, पेमेंट साइड में। मतलब कैशबुक में ये जो जनरल एंट्री, इसका टोटली उल्टा जनरल एंट्री लिख दिया कैशबुक वाले ने। क्या उल्टा जनरल एंट्री लिखा मैं लिख के बताता हूँ आपको। ओके, कैशबुक में जनरल एंट्री लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 200, ये कैशबुक ने लिख दिया। अब ध्यान से देखियो तो सर, पहले वाला सही है, दूसरे वाला टोटली गलत है। सही है उसका हम सही करेंगे, गलत है उसका उल्टा करेंगे। ये टोटली सही है और सर ये टोटली गलत है। अब मैंने आपको क्या रूल सिखाया, जो सही है उसका सही करो, पहले सही जनरल एंट्री लिखेंगे और बाद में ये जो गलत है टोटली इसका हम उल्टी जनरल एंट्री लिखेंगे। चलो यहाँ पर तो पहले सही एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट और डेबिट 200 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 200, ये मैंने सही एंट्री लिखा। अब जो गलत है उसका उल्टा करो, गलत में पहले बैंक अकाउंट डेबिट है तो उसको, अरे बच्चों मैंने तो इसमें मिस्टेक हो गया, मैं अब लिख रहा हूं, ये जो गलत एंट्री है बच्चों, मैंने तो सही गलत दोनों एक ही एंट्री लिखा, बट बोलते भी नहीं हो सर आपने दोनों एक ही सेम एंट्री लिखा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों कि जो गलत एंट्री क्या लिखा, उल्टा, उल्टा मतलब बैंक
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो गया 200 से एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 200 से, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। आई थिंक लेस देन वन मिनट बाकी है, मे भी शायद खत्म हो जाए तो ठीक है, इतना नहीं होगा। सही हो उसका हम सही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 200, ये सही मैंने किया। अब जो गलत एंट्री उसका उल्टा करो, गलत एंट्री उसका उल्टा कर, गलत में बैंक इंटरेस्ट डेबिट था तो वापस उसे उल्टा कर दो तो हो जाएगा टू बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट 200 और सामने यहाँ पर ये बैंक डेबिट हो जाएगा